ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इज अबेलियन। ऑर्डर फोर का हर ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? अबेलियन होता है। ओके, सो प्रूफ क्या है? इफ जी इज साइक्लिक, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज, हेयर ऑर्डर ऑफ जी इज फोर। ओके, हम फोर ऑर्डर का डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डूइंग प्रूफ फॉर ऑर्डर फोर। ओके, पी स्क्वायर फोर, बट नाइन ऑर्डर का नहीं ले रहे, फोर ऑर्डर का ले रहे हैं बस। ओके, इफ जी इज साइक्लिक, अगर ऑर्डर जो है जी जो है ये ग्रुप इज साइक्लिक, दिस इंप्लाइज जी इज अबेलियन, एंड हेंस प्रूफ्ड, एंड हेंस प्रूफ। बट इफ जी इज नॉट साइक्लिक, इफ जी इज नॉट साइक्लिक, अगर जी साइक्लिक नहीं है तो क्या होगा? तो जो नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा, अगर जी साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा? एक फोर ऑर्डर का ग्रुप है, उसमें आइडेंटिटी तो होगी। ओके, यू आर टेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर विच इज नॉन साइक्लिक, तो उसमें एक आइडेंटिटी तो होगी। और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, इसमें तीन एलिमेंट्स और होंगे, वो कितने ऑर्डर के एग्जिस्ट करेंगे? तीन एलिमेंट्स होंगे। अब ग्रुप का ऑर्डर क्या है? फोर है। ओके, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? लैग्रेंज थ्योरम सेज, लैग्रेंज थ्योरम की जो कॉर्नरी है वो क्या बोलती है? दैट सेज कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। दैट मीन्स एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो वन हो सकता है, या टू हो सकता है, या फिर फोर तो हो ही नहीं सकता, तो या तो वन हो सकता है या टू हो सकता है, है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वेयर ए इज वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके, सो एंड ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू फोर, सो ऑर्डर ऑफ ए इज आइदर वन और टू, या तो वन होगा या टू होगा, है ना? वन ऑर्डर का सिर्फ एक एलिमेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, और वन ऑर्डर का एक ग्रुप भी होता है, तो एक वन ऑर्डर का एलिमेंट भी एक ही होता है, ये वाला आइडेंटिटी। ओके, सो बाकी जो तीन एलिमेंट हुए, एक हुआ ए और दूसरा क्या होगा? बी, वो भी ऑर्डर टू का ही होगा, है ना? ऑर्डर टू का हम क्यों ले रहे हैं इसको? क्योंकि ऑर्डर टू के ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं बस। सो और सेम सा, तो क्योंकि बिकॉज दिस ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, सो हम इसी से जनरेट नहीं करेंगे, दिस इज अनदर एलिमेंट, क्योंकि और ऑर्डर फोर का एलिमेंट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर कोई भी एलिमेंट अगर फोर ऑर्डर का हो गया, इसका मतलब जो अगर फोर ऑर्डर का आपको मिल गया, इसका मतलब वो क्या करेगा? ग्रुप क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो उसी ग्रुप को जनरेट कर देगा अगर उसका ऑर्डर फोर होगा उस एलिमेंट का, इसका मतलब वो एलिमेंट उस फोर ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट कर देगा। और जो अगर सेम ग्रुप जनरेट हो गया, दैट मीन्स वो ग्रुप तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। ये रूल होता है ना कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर, इफ एनी एलिमेंट हैज ऑर्डर एन, देन इट जनरेट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, उसी ऑर्डर को क्या करता है? उसी ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट करता है। दैट मीन्स फोर नहीं हो सकता, दैट मीन्स साइक्लिक क्या होगा? टू होगा। ई ए बी एंड फोर्थ एलिमेंट विल बी, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, फोर्थ एलिमेंट वी टेक ए बी एंड दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर टू। सो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या है? ऑर्डर टू के हैं। सो अब वी हैव अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, दिस इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, एंड यू कैन ईजीली चेक हेयर दैट दिस जो ये एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं, क्योंकि ऑर्डर टू के एलिमेंट होने का क्या मतलब है? दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ए बी इज इक्वल टू ई, और ये क्या करते हैं? आपस में कम्यूट करते हैं ना, ए ए इनवर्स के इक्वल होता है, बी बी इनवर्स के इक्वल होता है ना? ऐसे ही ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, ए बी इनवर्स मीन्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स इज बी ए इज इक्वल टू ए बी। सो दीज एलिमेंट्स कम्यूट विद ईच अदर, हेंस दिस ग्रुप इज
दिस ग्रुप इज साइक्लिक, दिस ग्रुप इज अबेलियन, बिकॉज दिस कम्यूट विद ईच अदर दीज एलिमेंट्स. ओके, सो दिस ग्रुप इज अबेलियन. ओके, एंड वी विल चेक दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ टेबल्स ऑल्सो. ओके, कि ये ग्रुप अबेलियन कैसे है, और जो ये अबेलियन ग्रुप होगा ये कौन सा होगा, जो भी ये अबेलियन है कौन कौन सा है. एक जेड फोर है और एक ये जेड फोर वाला, तो यही वाला था. ओके, और ये कौन सा है, जेड टू क्रॉस जेड टू वाला. सो दो ग्रुप हो गए आपके पास, एक जेड फोर, एक जेड टू मल्टीप्लाई जेड टू क्रॉस जेड टू. ओके, सो ये जो जेड टू क्रॉस जेड टू ग्रुप है ये क्या है, देखिए. सो ये ग्रुप है जेड टू क्रॉस जेड टू when g is isomorphic to z2 cross z2, this is not cyclic. ये क्या बनाता है, ये k4 ग्रुप बना देता है. k4 ग्रुप कौन सा होता है, k4 ग्रुप होता है, देखिए z2 क्या है, z2 होता है 0 और 1, तो z2 cross z2 क्या होगा, z2 cross z2 will be, आप ऑपरेट कीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1, चार एलिमेंट्स आ गए आपके पास. दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए बी. व्हेन यू विल ऑपरेट दिस टू यू विल गेट वन वन. ओके, सो इसकी देखो टेबल, जैसे ही आप इसकी टेबल देखोगे, टेबल आपको बनाना मैंने सिखाया था. ओके, टेबल की एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं. टेबल बनाना बहुत ईजी है. ई ए बी सी, ई ए बी सी ग्रुप थ्योरी प्ले लिस्ट में यू कैन वॉच एवरी थिंग ऑन माई चैनल. ओके, सो दिस इज E, because you are operating with identity only, so you will get these elements only. Here also you are operating with identity, and A square is E, AB. Okay, when we will multiply A with B, we will get AB. Okay, this is C is AB here, so you can write AB only. Okay, C is AB. Okay, so A, when you are multiplying A, A square is identity, you will get B, BA, BA is equal to AB. Because these elements commute with each other, b square is e, and this will be equal to a, and this will be equal to a square is e, this is a, this is ab square is e. So similarly आप इसकी टेबल बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में दैट आप कैसे आपने बनाई ये टेबल. 0 1 1 1 अगर हम ये वाले एलिमेंट्स ले लें, 0 0 1 0 0 1 1 1, when you will operate with identity, you will get these elements only here and here. Okay, so ye elements 1 0 ko aapne operate karna hai 1 0 se. Main aapko ye sikhati hu, 1 ko 1 se operate karenge, 2 se divide karenge, 1 plus 1. Okay, 1 plus 1 is 2, 2 se divide karenge 0 0 0, so you will get 0 0. Okay, सिमिलरली आप यहाँ पे ऑपरेट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि जो Z2, जो आपने Z2 ग्रुप लिया उसका ऑपरेशन क्या है, प्लस टू. प्लस टू मीन्स एडिशन मॉड्यूलो टू का क्या मतलब होता है, एडिशन मॉड्यूलो टू मीन्स यू विल एड एलिमेंट्स एंड देन डिवाइड बाय टू एंड यू विल टेक रिमाइंडर. ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर फोर, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर इज अबेलियन. सो आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.